जी हाँ दोस्तों, आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप एक आम बात हो गई है। लेकिन बात करें समाज की, तो भले ही हम और आप कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो गए हों, लेकिन आज भी हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बुरी नज़रिया है। शादी से पहले एक लड़का और एक लड़की का अपनी इच्छा अनुसार एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में कहलाता है। लेकिन हालांकि लिव इन रिलेशनशिप ना केवल एक दंपत्ति को कानूनी रूप से एक रिश्ते में लिप्त होने से पहले अपने साथी को जानने का मौका देता है, बल्कि रिश्ता टूटने पर पारिवारिक और ड्रामा और लंबी अदालतों प्रक्रिया भी लिव इन में आने के बाद ना के बराबर हो जाती है। बता दें दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने के पीछे अपने कई तर्क ढूंढ लिए हैं, लेकिन सामाजिक वास्तविकता अभी भी कुछ और ही है। बता दें जहां पर कि मेट्रो सिटीज़ में शादी से पहले लिव इन में रहने वाले कल्चर अब आम हो गए हैं, जिससे बॉलीवुड कपल्स भी अछूते नहीं हैं। लिव इन में रहने के बाद शादी की तो वहीं कुछ भी अलग होगा, यानी कि जिन सितारों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी कर ली तो वहीं कुछ ने अलग होने का फ़ैसला कर लिया। लिव इन में रहने के बाद इनको ये तो पता चल गया कि इनके साथ समय बिताना है या नहीं। तो बात करें कुछ उन्हीं सितारों की दोस्तों, तो इस लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं इन दोनों चर्चाओं में बनी हुई जोड़ी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की। जी हाँ दोस्तों, अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली भी उन कपल्स में से एक है जिन्होंने शादी करने से पहले लिव इन में रहने का फैसला किया। लिव इन रिलेशनशिप में रहकर अनुष्का विराट ने ना केवल एक दूसरे को जाना, बल्कि आपसी समझ सूझबूझ से अपने रिश्ते को परफेक्ट बनाया है। और आज आप सबके सामने एक उदाहरण भी है कि इतने परफेक्ट कपल के तौर पर जाने जाते हैं ये दोनों। इसके बाद दोस्तों, इस लिस्ट में बात करें, यह भी जोड़ी काफ़ी चर्चाओं में रहती है, सैफ अली खान और करीना कपूर। जी हाँ दोस्तों, साल 2012 में शादी के बंधन में बंधे से पहले सैफ अली और करीना एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किए थे। सैफ और करीना ने लिव इन में रहकर ना केवल अपने रिश्ते को समय दिया, बल्कि करीना ने लिव इन रिलेशनशिप फॉर्मूले को आजमाते हुए इसे सबसे सुखद अनुभव बताया। यानी कि वो सब कुछ जान गई कि सैफ की क्या बुरी आदतें हैं, क्या अच्छी आदतें हैं, जो शादी के बाद उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद इनका नज़रिया सैफ अली खान को और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरीके से बदल गया और आज ये एक सेटिस्फाइड कपल हैं। उसके बाद दोस्तों, इस लिस्ट में है नाम तीसरा रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ का। ये जोड़ी भी काफ़ी चर्चाओं में थी, भले से अब रणबीर कपूर का नाम आलिया भट्ट के साथ काफ़ी जोड़ा हो, लेकिन रणबीर कपूर की इससे पहले भी कई गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, जिसमें से एक कैटरीना कैफ की भी गिनती की जाती है। लेकिन जब रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की डेटिंग की अफवाहें शुरू हुई, तो इस कपल्स ने कुछ समय के लिए बांद्रा के एक पोश अपार्टमेंट में साथ रहने का फैसला किया था। हालांकि 6 सालों तक एक रिश्ते में रहने के बाद यह कपल हमेशा के लिए अलग हो गए। हालांकि ब्रेकअप के बाद कैटरीना को खुद को संभालने में काफ़ी समय भी लगा। अब बात की जाए अगली जोड़ी की दोस्तों, तो वो है अनुराग कश्यप और कल्कि कोचीन की। जी हाँ दोस्तों, 4 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2011 में अनुराग कश्यप और कल्कि कोचलिन ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन शादी के 2 सालों बाद ही अनुराग और कल्कि एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि दोस्तों 4 साल तक पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद 2 साल बाद शादी टूट गई, तो क्या 4 साल में एक दूसरे को नहीं पहचान पाए थे? बता दें दोस्तों, दोनों के अलग होने की कोई ठोस वजह अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन दोनों के रिश्ते से एक बात सीखी जा सकती है कि कभी कभार लिव इन में रहने के बाद भी पार्टनर की चीज़ें पसंद नहीं आती। तो यही वो जोड़ियां हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद, कुछ की शादी हो गई, कुछ आज बेहद ही खुश हैं, तो कुछ हमेशा के लिए अलग हो गए। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।